सो फाइनली हमारे यहाँ चांद हो चुकी है और हमने चांद देख लिया है। तो देखिए चांद रात की तैयारी यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ वही तेल से मालिश हो रहा है जिसका क्लिप मैंने आगे डाला, आप लोग देख लीजिए। ये ऑर्गेनिक तेल हमने खुद अपने घर में बनाया है। ईद के लिए कुछ स्पेशल ऑयल सोचे हैं बनाने के लिए, तो हमने ऑर्गेनिक जो गांव मैंने दिखाया भी है कि इसका हम लोगों के पास पेड़ है, तो ये मेथी भी लिए साथ में और मंगरेला, और ये मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, फर्स्ट क्रॉप का है, बहुत अच्छा होता है ये। तो इसे हम ये वाले शीशी में डालेंगे। ये लिखे ये देखिए, मैंने इसको इसमें कंटेनर में भर लिया। आप कोई भी कंटेनर ले लें, शीशे की होनी चाहिए। अब इसमें हम नारियल तेल ऐड करेंगे और इसे हम एक दिन रखे हैं धूप में, क्योंकि ईद आ गई ना। ऐसे अगर आप दो दिन रखेंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा, इसे धूप में रखना है। तो हम इसमें नारियल तेल ऐड करके भर के इसको रखेंगे। ये देखिए मैंने नारियल तेल इसमें डाल दिया। अब इसे धूप में रख दूँगी, उसके बाद इसे ऑयलिंग करके वॉश करूँगी हेयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं मेहंदी लगा रही हूँ आप ही को, और उसके बाद फिर मैं अम्मी को लगाऊंगी, उसके बाद मैं खुद लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ मेहंदी लग रही है, और आज का मौसम देखिए, चांद रात का इतना ठंड, इतनी बारिश हुई। आप यहाँ देखिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और ये देखिए आज सुबह का मौसम, अभी हो रहा है 5:30 हो रहा है, और रात को 1:30 में सोई हूँ। बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, आवाज़ से ही मेरा लग रहा होगा अभी उठी हूँ। ये सुबह का मौसम देखिए, इतना ठंडा हो गया है कि बता नहीं सकती हूँ। कल तक इतनी गर्मी थी और रात में इतनी बारिश हुई, और अभी मौसम देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है। सो मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ का, फिर मैं फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो मैं अब अपनी अम्मी की आउटफिट से शुरू करती हूँ। ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है, और ये है इसका कुर्ता, और साथ में इसका प्लाजो है, और ये है चूड़ियाँ, मल्टी कलर का है। ये चिकनकारी है, क्योंकि मौसम गर्म था ना, तो फिर इसलिए हल्का लिया, पर अभी मौसम इतना अच्छा हो गया रात में बारिश की वजह से। और ये मेरा है, इसका दुपट्टा है, और ये है इसका कुर्ता, और साथ में ट्राउज़र, और ये सिंपल सा नेकलेस है, और ये क्लिप है, और ये आप ही कहा, ये तो आपने ईद वाले शॉपिंग व्लॉग में देखा ही होगा। ये इसका इयररिंग्स है, और ये फ्रॉक है, ये दुपट्टा है, और ये भाई का कपड़ा है, ब्लैक है, खान ड्रेस, ये कुर्ता है, और इसका पजामा है। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग, और आज है ईद। आप सभी को हम लोगों की तरफ से ईद मुबारक। और हम लोग हो गए अब रेडी, और पापा लोग गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो वो आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ खाएंगे, और अभी चलते हैं हम लोग कुछ मीठा खाने के लिए। तो चलिए आप लोगों को ले चलते। और फिर हमने ये कुछ मीठा खाया, जैसे जो हम लोग यहाँ इसमें दूध रहता है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स, खजूर, ये सब ये हम लोग खाते हैं सबसे पहले सुबह में कुछ मीठा। तो यहाँ फिर मैंने ये खाया।
अब मैं खा चुकी हूँ, तो अब मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ जो मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं अपने होम टूर में एक रूम छोड़ चुकी थी जिसमें क्या है वो मैं आपको दिखाने चलती हूँ। और ये है वही रूम जो मैंने कहा था कि मैं आपको ईद वाले व्लॉग में दिखाऊंगी, तो मैं दिखाती हूँ इसमें क्या है। ये देखिए यहाँ क्यूट क्यूट चिक है, मुर्गी के बच्चे चूजे, ये देखिए। ये देखिए कितने क्यूट क्यूट हैं। फिर हमने कुछ फोटो क्लिक्स किए, ये सब फोटोज। और फिर हम लोग गए कुछ रिलेटिव्स के यहाँ घूमने के लिए, ईद मिलने के लिए गए। अस्सलामुअलैकुम, और आज है ईद का दूसरा दिन और मैं यहाँ बैठकर वेट कर रही हूँ। आज सेकंड दिन है, तो आज हमारे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, मामा आने वाले हैं, चाचू, उनका फैमिली, बच्चे, ये सब आने वाले हैं। सो कल मैं गई थी कुछ रिलेटिव्स के यहाँ, तो वहाँ कुछ भी शूट नहीं कर पाई, तो वहाँ से आए बहुत शाम हो गया था और फिर यहाँ मैं कुछ शूट नहीं किया, तो फिर हम लोग सो गए थे और आज सुबह हो चुका है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ उन लोगों के आने का। सो लगता है वो लोग आ चुके हैं। सो बहुत सारा काम भी है, तो फिर मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती और उनको भी दिखाऊंगी, जो बच्चे कज़न्स को भी। और यहाँ बन रहा है भटूरा जो मैं बेल रही हूँ भटूरा को, और साथ में था छोला, तो नाश्ते में सुबह में छोला भटूरा था, बहुत ही यम्मी बना था। और फिर नाश्ते के बाद जो हमारे भाई, मामू, कज़न्स वो सारे घूमने के लिए आए, पेड़ वगैरह देख रहे थे और बच्चे लोग इतने मस्ती कर रहे थे, इतनी धूप में भी वो लोग इतना खेल रहे थे, ये देखिए। और यहाँ डिस्कशन चल रहा है फ़ोटोज़ क्लिक करने का कि किस तरह से ले, ये देखिए। और खाने में बना था चिकन मसाला था ये, और यहाँ था मटन आलू ये, और ये मैंने ईद के पिछले साल जो व्लॉग मैंने बनाया था उसमें मैंने ये ख़ुद से हैंडक्राफ्ट बन करके बनाया था। और यहाँ खाना लग रहा है, यहाँ पुलाव है और मटन है, ये सब खाना था, सबने अच्छे से खाया, बहुत मस्ती की, बहुत इन्जॉय किया। और खाना खाने के बाद बच्चों ने फिर से घूमा, ये देखिए, बहुत मस्ती से, ये देखिए। और फिर फाइनली इन लोग के जाने का टाइम आ गया, तो बच्चों ने कुछ पिक क्लिक करवाई। हमारे यहाँ भी कुछ था नहीं, सिर्फ पुदीना था, तो सबने पुदीना लिया। और अब फाइनली ये लोग जा रहे हैं। सो आप लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक।